कोविड-19 के हमले से हमारा मुल्क भी अछूता नहीं है। भारत सरकार द्वारा देश की जनता को कोरोना वायरस से बचाने को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं कोरोना वायरस की जद में आए पीड़ितों के लिए शेल्टर होम भी बनाए गए हैं, जहां मरीजों को मेडिकल सुविधा के साथ साथ बेहतर भोजन का इंतजाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद के लगभग सभी शेल्टर होम पर कोरोना पीड़ित मरीजों को बेहतर भोजन मुहैया कराया जा रहा है, तो वहीं उनकी अन्य जरूरतों को भी ध्यान में रखकर कार्य को किया जा रहा है। मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा मुरादाबाद में 5 शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहीं 3 मेडिकल केयर सेंटर बनाए गए हैं। इन सभी स्थानों पर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के कर्मचारियों द्वारा बेहतर खानपान की व्यवस्था को उपलब्ध कराया जा रहा है। ईद के मद्देनजर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की ओर से सभी शेल्टर होम पर सिवई और हलवे का वितरण किया गया। कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के राकेश कुमार सिंह से बात की गई, तब उन्होंने सबसे पहले सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। सभी पर्व हम सब हिंदू मुस्लिम साथ साथ मिलकर मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। आज इस कोरोना से जनमानस परेशान है, लेकिन हमारी एकजुटता एक दिन इस कोरोना वायरस को हरा देगी और फिर से हम जल्द भारत बुलंद भारत की तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं ईद के अवसर पर अपने प्रशासन की ओर से, अपने कलेक्ट्रेट परिवार की ओर से सभी अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिला प्रशासन द्वारा इस बार इतनी सुंदर व्यवस्था कराई गई ईद पर, प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ पर भी हमारे सेंटर हाउस थे वहाँ पर हलवे का खाने का वितरण बहुत सुंदर ढंग से कराया गया और प्रशासन के सहयोग से व आम जनता के सहयोग से ईद का त्यौहार बहुत मनोत्साह से शांतिपूर्ण ढंग से बनाया गया। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। आगे भी इस तरह के काम जारी रहेंगे सर? हमारा प्रशासन सदैव हमारे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, हमारे अपर जिलाधिकारी प्रशासन के नेतृत्व में व हमारे रेडियम प्रशासन और रेडियम सिटी के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, वो जिला प्रशासन के सभी मेरे सारे साथी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने निष्ठा के साथ इस ईद के अवसर पर अपना सहयोग प्रदान किया है। विशेष रूप से मैं खान पान व्यवस्था में लगे हुए नावेद सिद्दीकी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। लॉकडाउन को लेकर के आमजन से भी क्या अपील करना चाहोगे आप? लॉकडाउन पर मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय है, इसमें सभी जनता को लॉकडाउन का पूर्ण पालन करना चाहिए और एक दूसरे से कम दूरी बनाए रखना व मास्क जरूर लगाकर बाहर निकलें।